नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर में टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में स्टाफ नर्सों को वेतन के नाम पर छला जा रहा है, जिसको लेकर श्रमिक दल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ धरना देने की बात कह रही है। दरअसल पिछले दिनों अस्पताल प्रबंधन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 300 स्टाफ नर्स भर्ती विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें स्टाफ नर्सों का वेतन 12,548 रुपए निर्धारित किया गया था। भर्ती लेने के बाद पिछले दिन माह से किसी भी कार्यरत स्टाफ नर्स को वेतन नहीं दिया गया। कई बार इस मामले में बात करने के बाद 97 स्टाफ नर्स को पीएफ काटते हुए 10,581 रुपए वेतन दिया गया, लेकिन किसी भी नर्सिंग कर्मचारियों का पीएफ नंबर नहीं दिया गया। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उन्हें जानकारी दिए बिना ही उनकी वेतन में कटौती की गई और हमें छला जा रहा है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय श्रमायुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज अस्पताल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया और कुछ दिनों में कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ पे हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, अभी 3 महीना हो गया, 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया, हमारा पेमेंट नहीं मिला है। हम रेंट पे रहते हैं, यहाँ घर से पैसा मांगना पड़ता है, घर वालों को भी बोलना पड़ता है कि हमको पैसा चाहिए। हम यहाँ जॉब करने आ रहे हैं और घर से पैसा मांग रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग को भी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ आके बोल रहे हैं तो यहाँ भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, अच्छे से बता नहीं रहे कि कब तक आ जाएगा हमारा पेमेंट, हमको कुछ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ हम लोग 300 लोग ज्वाइन किए हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो गया हमको ज्वाइन किए, आधे से ज़्यादा छोड़ भी दिए पेमेंट के वजह से। और कुछ लोग को बस, 2-4 लोग को बस पेमेंट मिला है, वो भी 10,500-400 बस मिला है, और बाकी किसी को नहीं मिला है। तो बोलते हैं मंत्री के पास गया साइन होने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया कि कब तक आ जाएगा वहाँ से साइन हो के या फिर परमिट हो के, कब तक आ जाएगा कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ के अधीक्षक द्वारा सीधा भर्ती ली गई यहाँ पे, और भर्ती लेने के बाद में श्रमिक दर में लिया गया, कलेक्टर दर भी नहीं, श्रमिक दर में लिया गया। श्रमिक दर में लेने के बाद में आज इनको 3 महीना हो गया काम करते, 3 महीना हो गया है। 13,000 रुपये निर्धारित हुआ था, जो कि अखबार में जो टेंडर निकला था 13,000, फिर सर से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा 12,548 रुपये, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद में आज तक इन्हें वेतन नहीं मिला है। और हम आज नेताम जी से भी बात किए हैं, नेताम जी से हमारी चर्चा हुई है, हमने लेटर दिया है, नेताम जी ने ये प्रतिक्रिया की है, जो इनका 12,548 रुपये रखा गया था वेतन में से 1,500 रुपये काटा गया है, 11,458 रुपये इनको दिया जा रहा है वेतन काट के, तो इनको PF ID देने की भी बात की गई है, जो वेतन काटा जा रहा था। और बाकी के जो पेमेंट का है, हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 2 दिन के अंदर हमारा वेतन नहीं आता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार हॉस्पिटल प्रबंधक और हॉस्पिटल अधीक्षक होंगे। वहीं इस मामले को लेकर मेकाहारा जनसंपर्क अधिकारी ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, इससे धांधली साफ नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? जानकारी मिली है इनके वेतन से संबंधित जो अनुमोदन के लिए माननीय मंत्री जी के पास भेजा गया था, तो वो उसमें अनुमोदन हो गया है, और वहाँ से जैसे ही यहाँ पे जो दस्तावेज हैं पहुँच जाते हैं, तो उसके सिर्फ उतने तक का जो समय है, उसके बाद जैसे ही हमारे यहाँ पहुँचेगा हम तुरंत इसके उनके भुगतान की प्रक्रिया कर देंगे, ऐसा प्रबंधन का कहना है। और देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इनकी जो भी है इनके वेतन से संबंधित और बाकी प्रक्रिया, अभी इसकी में प्रक्रिया चल रही है, और बहुत ही जल्दी मतलब इनको जो इनका जो रुके हुए वेतन है और वो जल्दी मिल जाएगा। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।